नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में जो है हमारा मार्केट। और मैं आया हूं हमारी डायमंड सिटी सूरत में और यहां पे हम लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या इन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, क्या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है और भी बहुत सारे क्वेश्चन। तो अभी आप ये वीडियो में बने रहिए और देखिए कि लोगों का रिएक्शन क्या है। थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे रस्ते का नॉइज़ वगैरह मिलेगा, बट आप ये कोशिश करिए कि लोग क्या बोल रहे हैं। और ये वीडियो में हम एक बहुत ही स्पेशल पर्सन से मिले हैं, वो कौन है वो आप लोगों को आगे देखने मिलेगा। तो चलो अभी हम जाके सबसे पूछते हैं कि उनको स्टॉक मार्केट के बारे में क्या लगता है और क्या वो ऐसा सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। सर, 2 मिनट ले सकता हूँ? आपका नाम क्या है? नरेंद्र सारंग। नरेंद्र जी, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में क्या पता है? मार्केट के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन शेयर ले रहा हूँ दूसरे के अनुभव से। अच्छा, दूसरे के अनुभव से। मेरे पास करीब 50 लाख के ऊपर है शेयर। अच्छा, तो अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा है सर? बढ़िया है। क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा है और अच्छी कमाई भी है और वाइट का पैसा कमा सकता है इसके अंदर। अच्छा, और क्या आपको लगता है कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है? नो, गैम्बलिंग नहीं है वो। अच्छा, वो तो अच्छा है, वो तो वाइट ऑफिशियली है ना। हाँ, गैम्बलिंग तो अनऑफिशियली होता है। हाँ, बट नहीं, आपको ऐसा लगता है कि क्या ये सट्टा बाजार है ऐसा कुछ? ऐसा सट्टा बाजार में तो सट्टा बाजार जैसा लगता है, क्यों कि अपन लेने में कोई गफलत हो जावे। हाँ, तो थोड़ा धोखा खाना भी पड़ता है। अच्छा, तो आपको ऐसा कोई धोखा मिला है सर आज तक? नहीं, अब तक मेरे को ऐसा धोखा नहीं मिला है। और कितने साल हो गए सर? मैंने तो ये लिया है ना, करीब 30 साल पहले से जो लिया है वो सब लेके रखा है। तो सर, आप नए जनरेशन को क्या बोलना चाहते हो जो इन्वेस्टमेंट नहीं करता? इन्वेस्टमेंट करे, किसी की भी सलाह सूचन, अच्छे आदमी जो उसका जानकारी है। हाँ, उसके पास जानकारी लेके तुम कर सकते हैं। अभी मैंने मेरी और वाइफ के नाम पे मैंने 6.5 लाख रोका था फेब्रुआरी में। हाँ, और वो मेरा एक दोस्त उसका ले बेच करता था। हाँ, तो उसने मेरे को 3,12,000 रुपया कमा के एक साल में दिया। अरे वाह सर, और सही है सर, थैंक यू। तो सर, आपका नाम क्या है? अक्षय गोयल। अक्षय जी, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है? हाँ पता है। तो आप करते हो ट्रेडिंग? स्टॉक में करते हैं, ऑप्शन में करते हैं, इंडेक्स में करते हैं। कितने साल से कर रहे हो? मैं 1 साल से, मतलब अभी मेरा ट्रेनिंग चालू है, अभी मेरा NSE सर्टिफिकेट बन नहीं चुका है। ओके, तो आप क्यों, मतलब आपका इंटरेस्ट क्यों आया स्टॉक मार्केट में, क्या रीज़न है? उसमें प्रॉफिट अच्छा है और अभी क्या है कि डेल्टा हेजिंग से काम करते हैं तो उसमें रिस्क भी कम है। अच्छा, इसलिए। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है मार्केट को लेकर? मार्केट को लेकर फ्यूचर प्लान तो हमारा ऐसा है कि अभी रोज काम तो करते ही है बराबर। हाँ, मतलब उसमें काम करना ही है, तो उसमें फ्यूचर क्या है कि उसमें तो डेल्टा करते हैं। अच्छा, पता नहीं है, मतलब आगे का क्या है वो तो नहीं है, पर मतलब करेंगे तो पता चलेगा आगे। तो हमारे ऑडियंस को बता दीजिए डेल्टा क्या होता है जरा थोड़ा सा। डेल्टा ऐसा है कि जो कम प्रॉफिट के हिसाब से हमारा नुकसान भी उतना ही रहता है, मतलब कि 2,000 प्रॉफिट लेंगे हम तो 2,000 नुकसान भी हम SL कर देंगे हमारा, मतलब ये ऑप्शंस में होता है। ऑप्शन में होता है ऐसा। ओके, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में हमारा मार्केट ग्रो होगा या क्या, क्या अच्छा लग रहा है आपको, ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? हाँ, मार्केट तो ग्रोथ तो होगा ही ना। ओके, और आपको ये नहीं लगता है ना कि स्टॉक मार्केट स्कैम है? नहीं, स्कैम नहीं है। स्कैम नहीं, और ये गैम्बलिंग भी नहीं? गैम्बलिंग भी नहीं, इंडियन मार्केट बेस्ट है। थैंक यू। हाँ, तो सर आपका नाम क्या है? संदीप पटेल। संदीप जी, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता है? ज़्यादा तो नॉलेज नहीं, कई लोग करते हैं स्टॉक मार्केट का करते हैं, मगर उसको पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई ये ले सकती है, ये नहीं ले सकती है वगैरह होना चाहिए, मगर जो अपने पास जानकारी नहीं है, डोंट वांट टू जंप इन। ओके, मतलब आप खुद भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते? मुझे, मैं करता ही नहीं हूँ, करने का कोई इरादा भी नहीं है। अच्छा, और सर आपका नाम क्या है? संजय पटेल। संजय जी, आपको क्या पता है स्टॉक मार्केट? मैं मार्केट में काम किया है और आज भी थोड़ा बहुत करता हूँ। ओके, और मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने बताया, टेफ्ट में इसका स्टडी, नॉलेज, टच में रहना बहुत ज़रूरी है इस बिजनेस में। जहाँ तक स्कोप का सवाल है, मार्केट का स्कोप अभी तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, फ्यूचर अच्छा लग रहा है। अभी लगता है कि पर्टिकुलरली इंडिया ने तो शुरू किया है खेलना, तो डेफिनेटली आगे फ़ायदा ही होगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या स्टाइल क्या है?
ऐसा हाईफाई कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली जॉब करता हूँ। हाँ। तो एज अ साइड बिजनेस ये कर रहा हूँ, तो बहुत शांति से थोड़ा बहुत कुछ ले लिया, अच्छी स्क्रिप्ट मौका आया तो बेच दिया। ओके। वापिस उसी वक्त कुछ लिया, उस टाइप का चलता है, इतना इन डेप्थ और इन टच नहीं हुआ। तो आपको ये लगता है, बट ये मानता हूँ कि डेफिनेटली इट इज़ अ वे टू गो, बट यू कैन इफ यू कैन कीप इन टच एंड डेप्थ स्टडी तभी। तो आपको ये लगता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? डेफिनेटली ये तो आप बोल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा। पैसा और किसी भी बिजनेस में 100 रुपया आप कहीं डाल रहे हो, उसमें से 150 बन रहा है, इसमें पैसा एक का ही दूसरे के पास जा रहा है। अच्छा। एक्सचेंज ऑफ मनी है, तो जो कच्चा पक्का है उसका पैसा मास्टर है, वो ले रहा है, उसके पास जा रहा है। सही है सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो सर आपका नाम क्या है? माधव सोनी जी। हाँ। तो आपने स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट वगैरह किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। और आप क्या सोचते हो स्टॉक मार्केट के बारे में? मतलब इट्स वेरी गुड थिंग, मतलब एक्स्ट्रा इनकम लिए बहुत ही यूजफुल चीज़ है ये। ओके। और अगर इन फ्यूचर मौका मिले करने का तो? ऑफकोर्स कौन नहीं करना चाहेगा। तो आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, सट्टा है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है, मतलब आप कैसा उसमें इन्वेस्ट करते हो, कैसे आपकी थिंकिंग है, क्या आप सोचते हो, उसके हिसाब से आप प्रिडिक्ट कैसा करते हो उसके बारे में, तो बस ये उसकी चीज़ है। सही है। और इन फ्यूचर आपको सीखने मिले तो आप सीख के इन्वेस्ट करोगे? ऑफकोर्स। सही है, थैंक यू सर। थैंक यू। तो सर आपका नाम क्या है? चिराग सोराठिया। चिराग जी, आपको मार्केट के बारे में पता है, स्टॉक मार्केट के बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत। तो क्या विचार है आपके? जिनको आता है वो कमाते हैं। ओके। जिनको नहीं आता है वो घुमाते हैं। अच्छा, तो आपने कभी कुछ इन्वेस्टमेंट ट्राई किया है? बहुत साल पहले। क्या लिया था सर? मैंने RNRL का स्टॉक लिया था। ओके। और 110 रुपये पे लिया था। ओके। और 92 पे सेल किया था। ओके, मतलब आपने उसको बेच दिया, फिर कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। फिर मेरा प्रेफरेंस यही है कि अगर आपको नहीं आता है तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। ओके। और अगर आपको आता है तो मतलब ट्रेडिंग तो सही है। तो आपको ये तो नहीं लगता है ना कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग? नहीं, बुरी चीज़ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। अगर आपको नहीं आता है और अगर आप मतलब ज़्यादा करते हो तो वो गैम्बलिंग है। ओके। क्योंकि गैम्बलिंग मतलब अंधाधुन करना है। हाँ, तो सही है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? किरीट। किरीट जी, आपको क्या पता है स्टॉक मार्केट के बारे में? स्टॉक मार्केट के बारे में ये पता है कि डिलीवरी बेस में काम करना चाहिए। हाँ। ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे में तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा। अच्छा। अगर डिलीवरी बेस रहेगा तो अपने को कुछ पता भी नहीं होगा तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ओके। तो आपने कभी किया है? हाँ, किया है, किंतु इंट्राडे किया था तो गवाया था। ओके। अब डिलीवरी बेस कर रहे हैं। ओके। अब अच्छा है। तो कितने साल हो गए सर आपको? 4-5 साल हो गए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अच्छा है? अच्छा है, 24% से 20% के बीच में मिलता ही है पैसा। ओके। तो आपको ये लगता है स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? नहीं है। ओके। 1% भी नहीं, गैम्बलिंग तो लोग कर रहे हैं इंट्राडे खेल के। ओके। और सर आपका नाम? अंकुश नाकराणी। अंकुश जी, तो आपका क्या विचार है मार्केट के बारे में? स्टॉक एक्सचेंज में अगर काम करना है तो हमें कंपनी का बैकग्राउंड देखना चाहिए। हाँ। कंपनी का प्रोफाइल देखना चाहिए और आने वाले फ्यूचर में वो जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल करती है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या रेशियो है, उसका सेलिंग का बैलेंस शीट क्या है, या उसका कंजप्शन मार्केट में क्या है, वो देखना चाहिए। okay. और वो हिसाब से हमें लॉन्ग टर्म में काम करना चाहिए। ओके। okay. नहीं कि शॉर्ट टर्म। तो आप कितने साल से कर रहे हो सर? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, कर ही नहीं। तो नहीं, पर आपने जो बोला वो बहुत एक्सपीरियंस वाली बातें बोली है। एक्सपीरियंस तो सब चीज का मैं रखता हूँ। $5,00,000? कैसे, मतलब अगर आप शेयर करना चाहो तो? वो नहीं बोल सकते। ठीक है सर, थैंक यू। बट सही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। सर आपका नाम क्या है? मनीष कुमार साहब। तो मनीष जी, आपको मार्केट के बारे में पता है? थोड़ा बहुत जानता हूँ। ओके। तो कुछ करते हो आप इन्वेस्टमेंट वगैरह? हाँ, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, थोड़ा ट्रेडिंग भी करता हूँ। अच्छा, कितने साल हो गए सर? 6-7 साल हो गए। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका?
ये मार्केट में मैंने शुरुआत में लॉस किया था okay. अब मैं कुछ अर्न कर रहा हूँ okay. मार्केट की पूरी जानकारी चाहिए, कंपनी की चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है। तो आपको ये लगता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? नहीं, गैम्बलिंग नहीं है, गैम्बलिंग आई डोंट बिलीव इन इट। सर आपका नाम? मोहन भाई। तो मोहन भाई आप करते हो कुछ ट्रेडिंग वगैरह? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, तो आप क्यों नहीं करते अगर ऐसे पूछो तो? मुझे वो बात का पता ही नहीं है, इसके अच्छा। लिए मैंने और अगर जैसे आपके ये फ्रेंड है अगर आपको ये कुछ गाइड करे तो? हाँ, तो मैं करूँगा। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तक आपने गाइड क्यों नहीं किया इनको? नहीं, इन्होंने कभी पूछा नहीं। पूछा नहीं, तो चलो अभी अभी सर ने पूछ लिया है। हाँ, तो अभी अभी करेंगे। यस बिल्कुल, थैंक यू। हम यहाँ पे घूम रहे थे और हमें मिल गए मोदी जी। हाँ। और सर आपका नाम क्या है? आप? मेरा नाम प्रमुख भाई से, प्रमुख भाई आर पटेल। तो प्रमुख जी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है? हमारा यहाँ पे इसका स्टॉक मार्केट शेयर बाजार, शेयर बाजार तो बहुत चलता है। अच्छा, अभी चला है। मैं शेयर बाजार 79 से काम करता हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा है, ठीक। अभी 4-5 बरस से मैंने कम कर दिया। ओके, बाकी बहुत काम किया है शेयर बाजार में। अच्छा, कमाया है बहुत। और सर आपको क्या लगता है, शेयर मार्केट गैम्बलिंग है? गैम्बलिंग है तो सही है ना वो? तो अच्छा, तो चलता है तो चलता है, नहीं जाता तो गिर जाता है, फिर ऐसा ही है। अच्छा, मगर अच्छा है। और जो नए लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर बाजार में, उसको आप क्या बोलना चाहोगे? नो, वो तो अपनी अपनी मर्जी होती है, वहाँ से मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। कि ये तो ये है कि आज 150 का 250 भी हो जाए, 150 का 50 रुपया भी हो जाता okay. हाँ। है। हाँ, कल मेरे को IPO लगा तो उसमें मेरे को 12,000 रुपया मिल गया। अच्छा, दोनों का। हाँ, ये कौन सा IPO था? ठीक से वो एक, वो मेरे को ज़्यादा याद भी नहीं रहता, लड़का मैं मेरी एप्लीकेशन करता हूँ ना, वो लगता है वो बेच देता है, 6,500-7,500 रुपया मिलता है। हाँ, मैं बहुत टाइम से काम करता हूँ शेयर बाजार में, अभी अभी चालू है मेरे पास शेयर बाजार, माल भी है, अच्छा है। अच्छा। मगर थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए। और कौन सी एक खराब चीज़ है जो आपको लगता है कि शेयर बाजार में ये बहुत खराब है? ना, ये वो मैं नहीं बोल सकता। नहीं है, ये बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो सब सही है, सही चीज़ अच्छी है। वो अशोक लैंड में मैं 30 बरस पहले काम करता था, 85.9 में एक बार 12 रुपया हो गया था। हाँ, 12.5 पैसे में तो मैंने लिया था 5, ये मैं 160 में बेचा। ऐसा नहीं है, सब शेयर में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हाँ, अभी गिर भी जाता है, 440 वाला शेयर अभी 3 रुपया भी हो गया है। राइट सर। हाँ, सही है, उसमें कोई 50 वर्ष से शेयर बाजार में काम करता है ना, वो भी नहीं कह सकते कि वो चलेगा नहीं चलेगा। ठीक छे, थोड़ा पूरा दिन वो उसमें रहता है, कर लेता है। सही है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर आपका नाम क्या है? भरत वर्मा। भरत जी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है? काफ़ी नॉलेज है, बताइए क्या पूछना है। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका मार्केट को लेकर? देखो, एक्सपीरियंस ऐसा है कि मार्केट ऐसी चीज़ है जिसमें इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म तो आप कमा पाओगे। ओके, अगर शॉर्ट टर्म में जाओगे, इंट्राडे में जाओगे तो पैसा जाना ही जाना है, वो बात कन्फर्म है एकदम। राइट, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और कितने साल हो गए सर आपको? मैं 2010 में एंटर हुआ था शेयर मार्केट में, और उसके बाद से मेरा जो एक्सपीरियंस है खुद के प्रति जो मैंने किया है बड़ा, वो मैंने ये नतीजे में पहुँचाऊँ कि भाई आज की डेट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करता है 2-4-5 साल के लिए तो पैसा कमाएगा, बाकी इंट्राडे में तो पैसा जाना ही जाना है। और आपका एक सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था जो आपको याद होगा? वर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब ऐसी कोई गलती जो आपको याद है आज भी? सब गलतियाँ ही थी सर। अच्छा, उसमें अच्छा कुछ भी नहीं था। मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं एज ए सब ब्रोकर मैंने चलाई हुई है। ओके, और ये मेरे क्लाइंट्स भी थे, मेरे दोस्त भी हैं, ठीक है। अच्छा। तो क्या होता है कि जब भी आप ओवर लिवरेज करोगे, ओवर लिवरेज करोगे कोई भी चीज़ में, हाँ, तो आपको लॉस होना ही होना है, और तो मेरा ऐसा मानना है। और सर आपका नाम? मेरा नाम शत्रुघ्न मल्ला है। शत्रुघ्न जी, तो जैसे आप इनके सब ब्रोकर थे? हाँ, तो मतलब मैं सब ब्रोकर था, मेरे क्लाइंट्स थे। ओके okay. okay. तो आप मुझे पहले ऐसे सब ब्रोकर मिले हो जो अपने क्लाइंट को बोल रहे हैं कि लिवरेज मत करो? बिकॉज yes. सारे ब्रोकर तो जनरली कस्टमर को बोलते हैं ना, ट्रेड करो ट्रेड करो। yes, yes. तो वो इसलिए बोलते हैं कि उनको ब्रोकरेज अर्निंग करनी होती है, वो अपने पर्पज से बोलते हैं। बाकी तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 100 रुपये के सामने जो इन्होंने बोला कि इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, यानी कि 100 रुपये के सामने आप 100 रुपये का माल खरीद रहे हैं,
यानी 100% आप अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं तो वो आप खड़े रह सकते हो, आपको टेंशन नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप प्रॉफिट कर सकते हो उसमें, अच्छे सेक्टर में पैसा लगाओगे भाई। और सर आजकल के लोग हैं ना सब, ज़्यादातर जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जा रही है, तो उसको आप क्या बताना चाहते हो? नहीं नहीं, वो टोटली मतलब मैनिपुलेशन है, सट्टा है, उसमें प्रॉफिट हो सकता है, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि सट्टा है, इन शॉर्ट कहना चाहिए सट्टा है, यानी वो आज के यंग जनरेशन शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहती है इसलिए उसमें जा रही है वो, इसलिए। बाकी आप जो थोड़ा एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे, वो लॉन्ग टर्म इक्विटी यानी कि डिलीवरी बेस पे लेना चाहेंगे, उस पे जाएंगे। बाकी ठीक है, ऐसा नहीं है, मान लीजिए किसी का अच्छा प्रिडिक्शन है, चार्ट एनालाइज है, न्यूज़ अच्छी आ रही है, तो कुछ अपना कॉल पुट में कर सकते हैं, यानी ऑप्शन में कर सकते हैं ट्रेडिंग, उसमें कोई हर्ज नहीं है, हर चीज़ अच्छी भी होती है, बट उसके कोई नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, बट डिलीवरी आफ्टर ऑल यानी कि आप इक्विटी डिलीवरी बेस पर लेंगे तो चैन की नींद सो पा सकते हैं। बाकी शेयर मार्केट सबको करना चाहिए बराबर, ये है इसका अवेयरनेस लोगों में होना चाहिए, ठीक है, और ये कमाने का एक अच्छा जरिया तो है ही। ओके, अगर आप इसे ढंग से और डेडिकेटेडली काम करोगे तो पैसा तो बनेगा ही बनेगा, पैसा कहीं जाने वाला है नहीं। ओके, कमाने के बस थोड़ी चक्कर में मैं ऐसा जानता हूँ कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जैसे आप प्रॉपर्टी मार्केट में करते हो या कोई भी चीज़ में गोल्ड में करते हो उस तरह, या SIP में करते हो इस तरह, आप भी आप खुद के 10 स्टॉक के आप SIP कर सकते हैं इक्विटी के तौर पे, भले ही वो 2000 रुपये ही क्यों ना हो, मतलब तो वो लेके कर सकते हैं। SIP बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, 10 स्टॉक SIP बेस्ट ऑप्शन कर सकते हैं मेरे ऐसा। बाकी ओवर लीवरेज में जाएंगे तो बाई द वे लॉस ही होना है। ओके, वो बिजनेस हो या इक्विटी मार्केट हो, गैम्बलिंग तो परफेक्टली नहीं है ये। हाँ, अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए तो पैसा बनने वाला ही है, और हमारे पास एग्जांपल्स ऐसे हैं कि लोगों ने बहुत 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 पैसे बनाए हैं, बशर्ते कि आदमी लालच ना करे और सही टाइम पे अपना ट्रेड लेके पैसा लेके निकल जाए, प्रॉफिट लेके निकल जाए। लोग क्या करते हैं, ट्रेड तो ले लेते हैं और जब प्रॉफिट होता है तो खड़े भी रहते हैं, ठीक है, प्रॉफिट में खड़े रहेंगे हाँ, और नुकसान में उससे ज़्यादा खड़े रहेंगे, मतलब प्रॉफिट मान लिया कि 10,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पर उनको संतुष्टि नहीं होती है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, 10 का 15, 15 से 20 बराबर एक ही शेयर से लेने की कोई ट्राई करते हैं, वो होता या रिवर्स में जाता है। हाँ, ठीक है, मार्केट तो यूँ चलने वाला है। हाँ, फिर जो लॉस में खड़े रहेंगे लास्ट तक भी, हाँ वो जीरो भी हो जाएगा तो खड़े रहेंगे, तो खड़े रहेंगे, करेक्ट, ये टेंडेंसी गलत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, और आपने बहुत अच्छा बोला है सर, आपने भी बहुत अच्छा बोला कि लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए, यही हम लोग देख रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? मयंक जैन। सारे CA। अच्छा, सब CA। ओके, तो सर स्टॉक मार्केट के बारे में क्या लगता है आपको? स्टॉक मार्केट में तो बहुत पोटेंशियल है ऐसा मुझे लगता है, अभी अगर अपन देखा जाए तो 3-4 या 5% लोग ही स्टॉक मार्केट कर रहे हैं। हाँ, तो इन फ्यूचर अगर जैसे जैसे अगर अपन कोई बाहर की कंट्री का देखें तो उस हिसाब से अच्छा खासा स्कोप है, फ्यूचर है, प्लस मेन नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना नॉलेज और कितना एक्सपीरियंस आप दे रहे हो उसमें। ओके, ऐसा मेरे को लगता है। और आपने तो इन्वेस्ट किया है अब तक कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो क्या तरीका होता है आपका इन्वेस्टमेंट करने का? हम तो बेसिकली फंडामेंटल्स देख के फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर बैलेंस शीट वगैरह है, PNL वगैरह है, या फिर कंपनी के परफॉर्मेंस वगैरह क्या है, कंपनी के फ्यूचर गोल्स प्लान वगैरह क्या है, उस हिसाब से देख के अपने करते हैं इन्वेस्टमेंट। सही है सर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मित्तम शाह। उत्तम शाह? मित्तम शाह। मित्तम शाह, तो आप करते हो? हाँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। और आपकी एज क्या है? 25। आप सब मतलब इस सेम एज हो गए ना, 25, 20, 30, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका स्टॉक मार्केट को लेकर? बस लंबा तो कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके रखा है, बट इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो बेसिकली अगले 5 से 10 सालों में बहुत सही है। तो आपको लगता है स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? आज से 5 साल पहले लोग बोल रहे थे, लेकिन कोविड के बाद सबका सिनेरियो चेंज हो गया है। ओके, आज हर एक घर से एक एक बंदा कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है स्टॉक मार्केट में। ओके, तो अब उसको गैम्बलिंग नहीं बोल सकते। तो आपका अप्रोच इन्वेस्टमेंट वाला है या ट्रेडिंग वाला है? दोनों 50-50। दोनों 50-50। थैंक यू सर। मैम आपका नाम क्या है? प्रिया कापड़िया। तो मैम आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट के बारे में? स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है ना कि लोगों को बहुत ऊपर भी ला सकते हैं और नीचे भी ला सकते हैं, तो हम लोगों को सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो मतलब ऑब्वियसली कंपनी का हम लोगों को बैकग्राउंड देखना चाहिए और बहुत मतलब सेफ खेलना चाहिए, इतने रिस्क नहीं लेना चाहिए। और आप इन्वेस्टमेंट करते हो? हाँ करते हैं।
और आपका स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो? हम लोग कंपनी का बैकग्राउंड देखते हैं, दूसरे सब स्ट्रेटेजीज वो सब भी यूज़ करते हैं, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब कितना मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म उस हिसाब से करते हैं। सही है, तो आपको लगता है स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? गैम्बलिंग नहीं बोल सकते, अगर सोच समझ के कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? करण श्रीमाली। तो करण जी, आपका क्या विचार है स्टॉक मार्केट के बारे में? स्टॉक मार्केट ये है देखो कि इसमें को गैम्बलिंग भी बोल सकते हैं, और अगर तो आप दिमाग से लगाओ इसमें पैसा तो आप इनकम सही तरीके से कमा भी सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी की टिप्स को ही फॉलो करते हैं, हाँ। तो उसमें क्या होता है, जो कमाने वाले होते हैं वो पहले निकल जाते हैं, हाँ। और बाद में जो टिप्स फॉलो करते हैं, जो नए लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है, जैसे मैंने मेरे फ्रेंड को रिकमेंड कर दिया, उसने किसी और को कर दिया, तो ऐसे अगर कोई न्यूज़ मतलब बिना बात के उस शेयर की प्राइस ऑटोमेटिक वो डिमांड की वजह से बढ़ जाती है, हाँ। और जिसको निकालना होता है वो लोग निकाल लेते हैं, लास्ट में जो नए नए लोग होते हैं जो कुछ भी रिसर्च नहीं करते वो लोग फंस जाते हैं। और अगर आपको कमाना है तो आप स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करके कमा सकते हो, जैसे कौन सा सेक्टर आने वाले 5 साल में ग्रोथ करने वाला है, उसमें कौन कौन सी कंपनीज है, किसको क्या प्रोजेक्ट मिलने वाले, ये सब आप न्यूज़ फॉलो करके भी आप दिमाग लगा के ये सब में काम कर सकते हो। सर आपका एज क्या है? मेरा एज है 24। तो आपको इतनी सारी बात चीज़ों के बारे में कैसे पता चला? हम एक्चुअल में मैं तो अभी जैसे बिजनेस कर रहा हूँ, टेक्सटाइल के बिजनेस में हूँ, मेरा सीए कंप्लीट हो चुका है। ओके, बट फिर भी हम न्यूज़ में न्यूज़ देखते हैं, मनी कंट्रोल और ट्विटर पे भी हम फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे क्या और पॉलिटिकल न्यूज़ देखते हैं, तो हर जगह से अलग अलग हमको नॉलेज होती है। जैसे बजट देखते हैं तो बजट में किस कौन से सेक्टर को कितना एलोकेशन किया है, तो कौन सी कंपनीज को फ़ायदा मिल सकता है, ये सब हम चीज़ एनालाइज करके किसी स्टॉक पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये था हमारा आज का मार्केट और मे का एपिसोड। हमने यहाँ पे सूरत सिटी में बहुत सारे लोगों से सवाल पूछे और आप लोगों को पता ही चला कैसे कैसे हम लोगों को जवाब मिले हैं। तो अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर हम नेक्स्ट टाइम ऐसा वीडियो बनाते हैं तो लोगों से क्या सवाल पूछे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।